हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। सवाल ये है कि प्यार क्या है, प्यार की परिभाषाएं क्या है। प्यार दो दिलों का मेल है जो आसानी से जुड़ जाता है पर आसानी से खत्म नहीं होता। प्यार को दो शब्दों में बयान नहीं कर सकते और ना ही प्यार की कोई परिभाषा है। ये शब्द विहीन है और इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दो दिलों को गहराई से एक दूसरे से जोड़ देता है। प्यार दिल की आवाज है जिसे सिर्फ दिल की धड़कन से ही महसूस किया जा सकता है। प्यार में इंसान सब कुछ कर सकता है। सच्चे प्यार के लिए दुनिया की दौलत और शोहरत सब कुछ ठुकराया जा सकता है। यह एक खूबसूरत पल है। प्यार में इंसान एक दूसरे के लिए जी सकता है और एक दूसरे के लिए मर भी सकता है। प्यार वो ताकत है जो इंसान को मजबूत भी बना देती है और दूसरी तरफ कमजोर भी बना देती है। प्यार के कुछ लक्षण हैं, जैसे अपने से ज्यादा किसी और की भलाई और खुशी को प्राथमिकता देना, लगाव, स्नेह और जरूरत की भावनाएं, सहायता, सम्मान और देखभाल की भावनाएं, आकर्षण और पसंद। प्यार अगर हमसे एक पल के लिए भी दूर हो जाए तो इंसान सब कुछ भूल जाता है और बार बार तनाव में आ जाता है। यह एक ऐसा एहसास है जिसमें दिल दूसरे के पास होता है। उसकी हजार खुशी भलाई के लिए वो कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार इंसान को कहीं भी किसी से भी किसी भी अवस्था में हो सकता है। एक बार प्यार में डूबने के बाद ना इंसान उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है जिसमें दुनिया से लड़ने की शक्ति आ जाती है। प्यार गरीबी या अमीरी नहीं देखता, ये धर्म, जाति और रंग रूप भी नहीं देखता, ये तो सिर्फ प्यार देखता है। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार जिंदगी जीने का नजरिया बदल देता है। प्यार में तो हर चीज खूबसूरत हो जाती है। प्यार में वो ताकत है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। इंसान चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी अमीर बन जाए, अगर उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। प्यार में हमारा दिल चाहता है कि हम किसी खास के साथ अपने सुख दुख बांटें, अपना स्नेह, अपना प्यार बांटें, जो हमारी हर बात माने, हमारे एहसास को जाने, हमारी मदद करे। इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर उसे कोई पसंद आता है तो उसके साथ वो अपनापन महसूस करने लगता है और उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और फिर वो लगाव बन जाता है और यही लगाव ना जाने का प्यार बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। रोजाना उसे देखने की आदत लग जाती है और वो उसके पीछे भागने लगता है और फिर धीरे धीरे प्यार में दीवाना होने लगता है। प्यार करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। प्यार तो कहीं भी किसी से भी किसी भी उम्र में हो जाता है। जरूरी नहीं कि प्यार शादी से पहले होता है, कई बार प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। सच्चा प्यार एक दूसरे को देखने मात्र से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और जानने से होता है। सच्चे प्यार को करने और जताने में जल्दबाजी नहीं होती। सच्चे प्यार में एक दूसरे की भरोसा और सम्मान की बात आती है। सच्चे प्यार में मन और दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं। सच्चा प्यार करने वाला चाहे कितना भी दूर हो पर उसमें दिल, आत्मा, मन, एहसास एक दूसरे के साथ रहता है। सच्चे प्यार में रंग रूप, खूबसूरती, हवस कुछ नहीं होता, बस उसकी खुशी और उसकी परवाह होती है। सच्चे प्यार में मंजिल मिले ना मिले वो अमर हो जाता है पर खत्म नहीं होता। सच्चे प्यार में एक दूसरे का साथ निभाना, सुख दुख में साथ रहना, मुश्किल समय में साथ रहना, यही होता है। अगर प्यार सच्चा है तो आपका मन, दिल, एहसास